पहले समझ में आ रहा था क्या था, इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे थे, उसको जी से मल्टीप्लाई कर देते, जी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑलरेडी वो एमजी लिया हुआ है, वेट वेट का मतलब ही होता है उसमें जी इंक्लूडेड है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आया? यस सर। तो जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दैट इज द एरर, वही एरर हो रहा था कि हम जी से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि वेट वेट में तो जी इंक्लूडेड होता है, वेट मतलब ही एमजी होता है, उसमें तो जी इंक्लूडेड होता है। ओके नाउ दिस टेंथ वन हो गया। टेंथ वन वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी होगा, एमजीएच आई थिंक, वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच। ऑप्शन बी आ जाएगा, एमजीएच, वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच। 11th पे आओ, 11th, an energy with an electron acquires is an accelerated through a potential difference of 1 volt is called, अच्छा ये लॉजिकल है, मैं बताता हूं, आपने नहीं पढ़ा इसको, मैं समझा रहा हूं, सी अब एक मिनट, जी सी अब मैं समझा रहा हूं, जी सी अब रीड पोटेंशियल हियर। एक्चुअली एनर्जी की यूनिट होती है, जस्ट हियर, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में, ठीक है। अच्छा एक्चुअली आई डोंट नो, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको 9th में या 10th में, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, आपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक है, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, शायद किसी ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। किसी ने सुना है फॉर्मूला क्या इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ तो ये होता है, तो वर्क डन होता है दैट इज क्यू इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ अच्छा, उन्होंने न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन दे रखा है, दैट इज इक्वल टू, जैसे अब वापस आते हैं न्यूमेरिकल में, दे हैव टेकन, आई थिंक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। अच्छा, 1 वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जैसे अब तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है चार्ज की जगह, और ये वोल्ट है, पुट द वैल्यूज, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, इतना होता है दिस ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, और आंसर क्या दे रखा, 1 वोल्ट, तो वर्क डन कितना हो रहा है, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ऊपर देखो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल का कन्वर्जन क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जस्ट चेक इट, देखो पहले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में यूज करेंगे आप, याद रखना, शायद केमिस्ट्री में वहां पर तुमने यूज किया होगा ना इसको, बॉयज एंड गर्ल्स, एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज किया है कि नहीं, क्यों, आपको हाइड्रोजन का एनर्जी का फॉर्मूला सर ने पढ़ाया होगा ना, हाइड्रोजन −13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला किया है कि नहीं,
एटॉमिक स्ट्रक्चर किया है कि नहीं किया है? आप लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है क्या? तो उसमें ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? पढ़ा है? नहीं, मैं सुना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बस मुझे ये बता दो तो आपसे मुझे समझ में भी आया। तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन का एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं। आपने वो पढ़ा है क्या, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट फंड, वो सब पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. तो उसमें क्या हाइड्रोजन में सर ने रेडियस का फॉर्मूला बताया होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला बताया होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता था कि नहीं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, वो रिलेशन होता है इसका। ठीक है, ये याद रखना, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगा ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। क्यू क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन। पुट द वैल्यूज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और पोटेंशियल कितना दे रखा है 1 वोल्ट। तो अल्टीमेटली ये जूल में आ गया, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये थोड़ा इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, बट उन्होंने रख दिया इसको। ठीक है, यू शुड नो व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको फिर ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, शायद बाद में पढ़ेंगे ये फॉर्मूला। शायद कुछ बच्चों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ओके, सो कंप्लीट किया इसको। ये रिलेशन याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। डन डन सर। ओके, नाउ 12th वन। अ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। ये क्वेश्चन किया है क्या पहले हमने, आपसे डिस्कस किया था क्या कि नहीं? चलेगा नहीं सर, नहीं किया था। चलो ठीक है, द वर्क डन इन 2 सेकंड। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो एक काम करिए, वेलोसिटी निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, टी स्क्वायर बाय 4। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू, मैंने किया था इस टाइप का प्रॉब्लम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डीएस बाय डीटी। डेरिवेटिव लेंगे इसका, वेलोसिटी इज इक्वल टू डीएस बाय डीटी। तो ये क्या हो जाएगा, 2t/4, इट बिकम t/2। तो उसने बोला फाइंड द वर्क डन इन 2 सेकंड। तो पहले टाइम को 0 रखो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, दैट इज 0। फिर टाइम को हम लोग 2 सेकंड रखेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 1/2 ना, नहीं नहीं 1 आएगा, 1। पुट द वैल्यूज हियर। अब ये दोनों वेलोसिटीज फॉर्मूला रख दो, मास रख दीजिए, गेट द आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन आ गया। चलो, तो आई थिंक हाँ, ये हाफ मास कितना है, 6 × 1 − 0, तो 3 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। 13 वाला तो आप लोग कर लेंगे, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, तो एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई, जस्ट कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। हम्म,
अपने से कंप्लीट कीजिए फटाफट आप लोग। मेडिकल में यू विल गेट न्यूमेरिकल लाइक दिस वे ओनली, जो लेवल वन कर रहे हैं ना मेडिकल में ऐसे ही क्वेश्चन आते, बस गलती नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। क्या आंसर आया 13 का? fx into sx, हाँ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दैट इज 3 × 3 प्लस 4 × 4, हाँ तो दैट इज 9 + 16 25 आ जाता। ठीक है, कम टू 14th one, a 50 kg man with 20 kg load on his head climb up 20 steps of 0.5 meter height each, find the work done. मैं हिंट दे रहा हूँ, try yourself. Work done is change in potential energy, that is equal to mgh. Use this one. ये वाला formula use करो। अब h क्या लोगे, mass क्या लोगे, वो decide करो जरा अपने से। मास क्या लोगे? सर 70। हाँ, दोनों मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ लोड दोनों काउंट करना, ऐड करना पड़ेगा। और हाइट क्या लेंगे? एक स्टेप की हाइट 0.25 मीटर है, तो 20 स्टेप की कितनी होगी? 20 × 0.25 मीटर, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 5 मीटर। अपने से ट्राई करो, नहीं लेना है ना? हाँ जी, का 9.8 10 कुछ भी ले लो बेटा, 10 लिया करो हमेशा। बहुत अगर 10 से तुम आंसर मैच नहीं कर रहा है तो 9.8 लो, अदरवाइज टेक इन द कॉम्पिटिटिव टेक 10 ऑलवेज, ऑलवेज टेक 10। ओके, नाउ 15th वन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ट्राई दिस वन, fx sx प्लस fy sy प्लस fz sz, पुट द वैल्यूज, गेट आंसर। सर 14th का आंसर डी आ रहा है, 9.8 लिया तो, सर 10 लिया तो 3500 जूल जाता है, 3500, हाँ तो चलेगा। तो और तो कोई फोर, तो फोर डिजिट्स में बेटा कोई आ ही नहीं रहा है ना, तो वही आंसर हो जाएगा ना फिर। यू आर राइट कि 9.8 लेंगे तो यू गेट 3430, अदरवाइज 10 लेंगे 3500 आ रहा था, लेकिन उसके क्लोज में आ भी तो नहीं रहा है, डिजिट में तो कोई भी नहीं है ना, तो चलेगा फिर, डजंट मैटर, मतलब वहां पे अपने से डिसाइड कर लेना कैसे करना है उसको। दिस इज समथिंग जिसमें आपको अपना मतलब कोई जो भी अपना आईक्यू लेवल थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं उसको। यस, डू क्वेश्चन नंबर 15, वर्क डन इज गिवन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है ना, तो ये जीरो कर लेंगे, जीरो इज इक्वल टू दैट इज 2 × 6 प्लस माइनस 3 × 2 प्लस x × -3,
इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू 12 माइनस 6 माइनस 3x आर टू आएगा, टू आएगा बस, यू गेट टू. देन 16 तो ऐसे ही ओरल क्वेश्चन है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इसमें यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है अभी? नन. हाँ नन, कोई भी नहीं एनर्जी नहीं, ये सब वैट और हॉर्स पावर, पावर की यूनिट है. ये क्वेश्चन तो अपने इजी है, छोड़ो 17 क्वेश्चन. 18 पे आओ, कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. अ बॉडी ऑफ मास 5 केजी इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड मूव अलोंग द एक्स एक्सिस. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. जो डाउट है 16 में, वो ए नहीं हो सकता क्या? सिर्फ यूनिट लिखा है सर, वो 1 kWh इज इक्वल टू 1 unit ऐसा कुछ होता है ना, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. हाँ 1 kWh इज इक्वल टू 1 unit स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना. हाँ वो एनर्जी का यूनिट होता है, बट ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस तो नहीं दिख रहा है. 1 kWh एक मिनट, एक होता तो है 1 kWh इज इक्वल टू 1 unit. डियोमीटर रीडिंग के लिए यूज होते थे 1 unit, उसमें एनर्जी 1 kWh एनर्जी होता था नियर अबाउट 3.6 ऐसे था ना, 10^6 जूल्स. ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, चेक करो यार ऑप्शन में क्या दिया, आंसर क्या दिया पीछे. Anybody having a book change? Just check answer to question number 16. Fifteen का तो 2 आ रहा है ना फिर, क्योंकि ये देखो ये आपका 3x is equal to 6, तो x is equal to 2 आ रहा था. हाँ. Anybody having book? साक्षी book है ना आपके पास, जरा check करो ना आंसर क्या दिया हुआ. सर डी दिया है. हाँ तो इसका मतलब वो मतलब नहीं है. ओके सर. हाँ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. There's a body of mass, कोई ले लेते हैं body of mass, यहाँ पे ले लेते हैं body, जैसे this is x axis, it's an origin, and this is x axis, और इसका mass है 5 kg, ठीक है mass is given 5 kg, then what will happen, इसको pull कर रहे हैं, mass is given 5 kg, इसको pull कर रहे हैं with a force. That is 10 newton at an angle of 60 degree. And displacement is given 4 meter. And displacement is given 4 meter. Find the work done. Work done kya hoga? Work done by force pucha hai ki work done by weight pucha hai. Yahan pe to 2 force lag rahe hain. Ek to weight lagega niche ki taraf mg. Ab question mein dekho kis kaun se force ko hume account karna hai. वो बोल रहा है कि वर्क डन बाय फोर्स, तो फिर वेट को नहीं देखेंगे बेटा, हम वो फोर्स को देखेंगे, मतलब सब सबका वर्क डन अलग अलग होता है, तो हमें देखना पड़ेगा किस फोर्स की बात कर रहा है. तो वो बोल रहा है वर्क डन बाय द फोर्स, तो फिर हम वेट वाला नहीं लेंगे, फिर इसको लेंगे. वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, वो सिंपल हो जाएगा फिर हमारा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है 20 आ रहा है. हाँ 20 आएगा फिर. इज इट क्लियर? तो वो मास कंफ्यूज करने के लिए दिया था, एक्चुअली वर्क डन बाय फोर्स पूछ रहा है वो, तो हम फोर्स को कंसिडर करेंगे ना फिर. इज इट क्लियर? तो वेट की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, तो वो कंफ्यूज करने के लिए वेट भी डाल दिया है, बट वर्क डन बाय फोर्स पूछ रहा है, तो वी विल टेक ओनली फोर्स, अप्लाइड फोर्स.
सर 40 आएगा ना फिर आंसर. एक मिनट, एफ कितना है? 20 आएगा सर. एफ कितना दे रखा है? 10. और ये कितना है? 4 इनटू हाफ. ओके सर, सॉरी कंसीडर नहीं किया एंगल में. 20 जूल आएगा, 20 जूल आएगा. ओके. नाउ अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. Force is perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes in a plane. It follows that force is perpendicular to velocity. अच्छा, force अगर velocity के perpendicular होगा तो क्या velocity change होगा? क्या नहीं change होगा? क्योंकि work done zero हो रहा है ना, this velocity will be constant आएगा. देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन दिस वे एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, तो एंगल तो 90 बन जा रहा है ना. तो 90 में तो वर्क डन जीरो ही होता है ना. तो वर्क डन जीरो होगा तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बेसिकली क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना. इफ वर्क डन इज जीरो, then change in kinetic energy will be zero. It means kinetic energy will be constant. ठीक है, तो its velocity is constant आएगा answer. Its velocity is constant. तो perpendicular मतलब velocity से perpendicular मतलब displacement से perpendicular. तो work done zero, तो work done zero, तो change in kinetic energy is constant. तो change in kinetic energy is kinetic energy तो constant आ रहा है. हाँ सर, तो ए या सी. लेकिन मास भी तो कांस्टेंट रहेगा ना. अच्छा, वेलोसिटी, हाँ, एक अगर वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे, सर्कुलर मोशन में आई थिंक सी प्रॉपर रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, डायरेक्शन चेंज हो सकता है उसका. जैसे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में भी तो ऐसे ही होता है. अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फोर्स सेंटर की तरफ होता है, एंगल 90 बनता है. ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लुक हियर, देन फोर्स विल कम दिस डायरेक्शन अगेन परपेंडिकुलर. तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर वेक्टर कंसिडर करेंगे तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, स्पीड इज कॉन्स्टेंट. आई थिंक सी इज द राइट वन. सी राइट वन होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर, डायरेक्शन चेंजेस. हाँ, अगर स्पीड देखेंगे तो कॉन्स्टेंट होगा. बट स्पीड इज कॉन्स्टेंट. स्पीड कॉन्स्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, क्यों? डायरेक्शन उसका चेंज होता रहेगा. So I think C is the right one. Kinetic energy is constant. You got this question number 19. Question number 20. A kinetic energy acquired by a body of mass traveling in some distance starting from the rest under the action of constant force. Then the kinetic energy is directly proportional to. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन ना. वर्क डन क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कांस्टेंट है,
फोर्स इज कॉन्स्टेंट, इस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, काइनेटिक एनर्जी फोर्स कॉन्स्टेंट है डिस्प्लेसमेंट, मास पे डिपेंड करेगा क्या? यस, क्वेश्चन नंबर 20। यस बॉयज एंड गर्ल्स, काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करेगा क्या? हाँ सर करेगा। कैसे करेगा? उसके राइट हैंड साइड पे तो मास नहीं आ रहा, फोर्स तो कांस्टेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट है। राइट हैंड साइड पे मास किधर आ रहा है? अगर लेफ्ट हैंड साइड को काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करो तो उसके राइट हैंड साइड पे वो आना चाहिए ना, अगर मास पे डिपेंड करेगा तो। ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, तो मास तो आता नहीं है इसमें, टाइम रेस्ट पावर जीरो होगा। जस्ट देख लो, समझ लो पहले इसको। सर इसको कैसे लिखें? ऐसे जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखो। काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट है और ये तो लेंथ है, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम रेज़ टू पावर जीरो, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। एम रेज़ टू पावर जीरो मतलब इंडिपेंडेंट, एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज इंडिपेंडेंट, अगर कुछ रेज़ टू पावर जीरो होता है इसका मतलब वो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। ओके डन सर। ओके 21 ओरल क्वेश्चन है, बता दो मुझे आंसर क्या होगा। 21 इज ओरल क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। ओरल क्वेश्चन है, नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग। दे हैव सेम व्हाट? Velocity. हाँ काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकती, सही कह रही, वेलोसिटी सेम हो सकता है। और कौन सा आंसर हो सकता है? आई थिंक सही बोल रही है, सेम काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, बाकी सब में मास लगता है ना सर, आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक सेकेंड, सो सेम काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, पक्का है ना? हाँ सर, उनका मास वेरी करेगा ना, तो फिर सेम काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा? मतलब मास डिफरेंट है ना दो बॉडीज का, हां तो मास वेरी करेगा तो सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। मोमेंटम में भी मास लगता है, मतलब मास, हां तो वेलोसिटी इज द करेक्ट वन, सही कह रही हो, मास लगता है तो वेलोसिटी इज द राइट वन, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कल कंटिन्यू करते हैं 22 से, जिसके पास बुक है वो सब प्रैक्टिस करके आएंगे, हम कल खत्म कर लेंगे इसको, हो जाएगा। आई थिंक कितना बाकी है, 50 तक हो जाएगा, 22 हुआ है ना, हो जाएगा। चलो ठीक है, कल कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को पूरा। चल बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.